सुप्रभात मित्रों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मेरा वर्क देख के आप लोग गेस करिए कि ऐसा कौन सा सरप्राइज है जो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। और ये सरप्राइज आपके लिए और मेरे लिए, हम दोनों लोग के लिए है, क्योंकि अब से आप मेरा हर ब्लॉग यहीं पर देखने वाले हैं। वेलकम टू माई फर्स्ट ब्लॉग। मैं आरती केसरी फ्रॉम प्रयागराज से, मेरे फर्स्ट ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो यहाँ देखिए, मैंने मिट्टियों को लाके पहले से इकट्ठा कर लिया था और इसमें मैंने पानी डाल दिया था ताकि अच्छी तरीके से गीला हो जाए। और ये रहा मेरा आंगन, तो मैं यहीं पर उसको बनाऊंगी। तो पहले मैं यहाँ पर प्लांटिंग की हुई थी, तो उसको बनाना है तो मुझे यहाँ स्पेस करना होगा। तो मैं फटाफट से ईंटों को निकाल लेती हूँ, तो मैं ज़्यादा आप लोगों को सरप्राइज नहीं करूँगी। मैं बना रही हूँ इंडियन गैस चूल्हा के टेम्परेचर। मेरे यहाँ बहुत ही ठंडा था, 12 अंश डिग्री सेल्सियस था, बहुत ठंडी थी। और यहाँ मैंने लगाया हुआ था स्नैप प्लांट, तो इसको मुझे निकालना पड़ेगा तभी मैं उसको बना सकती हूँ। तो इंडियन देसी चूल्हे के लिए अगर एक्सप्लेन करें तो मिट्टी का चूल्हा होता है, बहुत ही अच्छा उस पर खाना लगता है। तो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी मिट्टी का चूल्हा बनाऊं और उस पर खाना भी बनाऊं, साथ में मैं उसकी ब्लॉगिंग भी करूं। तो यहाँ मैं मिट्टियों को फटाफट से मसल कर रेडी कर ले रही हूँ और जहाँ मुझे बनाना है मैं वहाँ पे इकट्ठा कर ले रही हूँ। तो जब भी आप मिट्टी को मिलाइएगा तो उसमें थोड़ा सा भूसा डाल लीजिएगा, भूसी हम लोगों के साइड में बोलते हैं, तो उसको मिक्स करके बनाएंगे तो चूल्हा बहुत अच्छे से बनता है। मेरे पास भूसे नहीं थे तो मैंने उसको नहीं मिक्स किया, बट मिट्टी बहुत अच्छी थी तो मैंने ऐसे ही बनाया। तो यहाँ पर डाल प्री प्लानिंग मैंने पहले स्टार्ट किया। और दोस्तों, मुझे चूल्हा बनाना नहीं आता था, मैं दादी नानी और सासू माँ के हाथ का ही चूल्हा देखी हुई थी। तो मैंने कहा कि चलो बनाते हैं, बनेगा कुछ, बहुत अच्छा नहीं बनेगा लेकिन जो भी बनेगा बहुत कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। तो यहाँ मैंने चूल्हा बनाना स्टार्ट कर दिया है विदाउट प्री प्लानिंग। तो देखिए, जो दीवार दिख रहा है आप लोगों को, बीच में स्पेस दिख रहा है, तो मुझे यहाँ से बनाना था, मैंने थोड़ा सा आगे लेके बनाया। तो बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मैं दीवार में इसको सटा के बनाती हूँ, नहीं जो बीच में स्पेस है ना, तो बाद में सफाई करने में दिक्कत आएगी। तो आधा चूल्हा मेरा बन के रेडी हो गया था, फिर भी कोई नहीं, चलो थोड़ा टाइम और लगता है लेकिन हम लोग अच्छे से बनाएंगे। तो फिर मैंने ये वाला चूल्हा को निकाला और फिर दूसरे चूल्हे को फिर बनाना स्टार्ट किया। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए फ्रेंड्स, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर से कर देना। कब से हुई है शादी? तो यहाँ हम लोगों की मस्ती भी चल रही थी, मस्ती में बना रहे थे, दुला मिला ऐसा आंसू बह रही हूँ। तो देखिए, चूल्हा मैंने आधा से ज़्यादा बना लिया और मैं इसको अच्छे से मिट्टी से कवर कर रही हूँ, मतलब वो चूल्हे का असली रूप दे रही हूँ। और साथ में बच्चों के साथ मस्ती भी चल रही है। छोटा बाबू मेरा प्रसेव जो है, वो छोटा सा डॉगी कहीं से आ गया था तो उसके लिए जिद कर रहा है कि मम्मा मुझे डॉगी चाहिए, डॉगी चाहिए। अब वो कहाँ से लेके आएंगे, वो रुकने वाला ही नहीं, उसने मम्मी के साथ भाग गया तो उसके लिए वो रोने लगा। तो बहुत मुश्किल से मैंने उसको मनाया। और यहाँ मेरा चूल्हा जो है 80% जहाँ तक है तो बन गया है। और अब मैं कुछ और ही सोच रही थी बनाने के लिए, मतलब मेरे ना जो जहाँ मैंने चूल्हा बनाया तो उसके पीछे ना एक खाली प्लॉट है, तो वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा जगह है। और पीछे जो है ना, मुझे ऐसा लगा कि मुझे वहाँ पे दीवार ऐड करना चाहिए,
ताकि मैं कोई भी चीज़ अगर मतलब कुछ भी अगर बनाऊँ ना तो उस साइड में जाके ना गिरे। तो मैंने इसके लिए भी फिर बच्चों को बोला, तो वो लोग गए वहाँ बाहर से फिर ईंट लेके आए। और ये भी विदाउट प्री प्लानिंग मैंने बनाया, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर दो तीन बार ट्राई करने के बाद मैंने एक बार उसको बनाया, फिर बिगाड़ा, फिर बनाया, फिर बिगाड़ा, फिर बनाया, फिर बिगाड़ा, ऐसे करते करते फिर फाइनली मैंने इस तरीके से इसको बना ही दिया। और ऐसे ही बस सोचते समझते इसमें ही ज़्यादा टाइम लग गया। तो देखिए मैं चूल्हे पे अपने कढ़ाई को या बर्तन को रख के देख लेती हूँ कि इसमें अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा या नहीं। तो ये मेरा एडजस्ट हो रहा था, बहुत ही अच्छा मुझसे चूल्हा नहीं बना था। तो मैं आपको एक चीज़ के लिए सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप कुछ प्लानिंग करिए ना, तो प्री प्लानिंग ज़रूर करिए। ये मेरा जो भी चूल्हा बनाना था ना, विदाउट प्री प्लानिंग हुआ, इसलिए मुझे टाइम इसमें ज़्यादा लग गया। तो अभी देखिए मैं इसमें थोड़ा सा मिट्टी ऊपर से रख रही हूँ, क्योंकि मैंने दादी नानियों और मम्मी और सासू माँ लोगों का देखा है, वो लोग ऐसे डाल के कुछ ऐसे बनाती हैं थोड़ा ऊंचा करके, ताकि बर्तन हमारा अच्छे से फिट हो जाए और जो धुआं हो ना वो आराम से बगल बगल से निकल जाए, और जो हमारा बर्तन हो वो काला ना हो धुएँ की वजह से, ऐसा मुझे लगा। तो इसलिए मैंने बना लिया मेरा फाइनली टच अप लुक, देखिए बन गया। तो कैसा लग रहा है? ये मेरी मेहनत का मतलब मेहनत वाला रंग था। और ये जो ऊपर मैंने पीछे दीवार मैंने बनाया ना, तो ये मुझे इसकी जो है लेंथ कम लग रही थी, तो मैंने बाद में इसमें दो ईंट की लेंथ ज़्यादा रखी, फिर मैंने इसको बाद में और लंबा किया, आप लोग देख सकते हैं वीडियो में। तो ये मेरा फाइनल टच है। अब आंगन मेरा गंदा हो गया था मिट्टी की वजह से, तो मैंने सोचा कि चलो अब थोड़ा सा इसका भी अच्छे से इसको भी रेडी कर देते हैं। और बस हो गया, बस ऐसे ही बनाते बनाते मस्ती करते करते ये मेरा बन गया। और अब मैं अपने आंगन को क्लीन कर ले रही हूँ, ताकि ये अच्छे से नेक्स्ट डे सूख जाए, और मिट्टी से जुड़े रहना चाहिए फ्रेंड्स। मिट्टी की वो सोंधी सोंधी खुशबू, और जो हमारी पुराने रीति रिवाज जो दादी नानी लोगों के टाइम का था ना, तो वो अब आजकल कहीं ना कहीं सब लोग मिस कर रहे हैं। तो मैं ये सब कभी नहीं की थी, पर कोई ना। तो वीडियो शूट करते करते काफ़ी शाम हो गया था, तो मैं शाम को वीडियो शूट नहीं कर पाई थी फाइनल टच का। तो मैं फिर मॉर्निंग में इसको शूट की, और देखिए ये मेरे चूल्हे का फाइनल टच है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा बना हुआ है। यहाँ मैंने काफ़ी प्लानिंग पहले से की हुई थी, तो ये मेरे मधुकामनी का पौधा है, काफ़ी बड़ा हो गया, इसकी भी फ्लावरिंग होती है, तो बहुत ही अच्छी से इसकी स्मेल आती है। ये मेरा आंगन है, और यहाँ मैंने गमलों में मैंने प्लांटिंग करके रखा हुआ है। ये मेरी रोज़ की प्लांटिंग है, इसमें इसकी फ्लावरिंग आप देखिए, इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी आती है, और यहाँ बच्चे बहुत मस्ती कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरा ये फर्स्ट ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सपोर्ट मी दोस्तों, विदाउट आपके सपोर्ट के मैं कुछ नहीं हूँ। बहुत ही मेहनत करके मैंने ब्लॉगिंग के लिए सोचा है, तो आप लोग प्लीज़ मुझे मोटिवेट करते रहिएगा, तो मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज लाती रहूँगी। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर देना। हरे कृष्णा, राधे राधे।